फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे जो बहुत सुंदर है। सिक्किम घूमने के लिए आते हैं तो कुछ एग्जैक्ट पॉइंट्स में हम लोग जाते हैं, लेकिन पूरा सिक्किम इटसेल्फ इतना सुंदर है और छोटा छोटा जगह भी बहुत सुंदर लगता है। हाँ मम्मा, मेरी बेटी कुछ कहना चाहती है शायद। मम्मा बेबी है, बेबी मेरी बेटी बोल रही है मम्मा बेबी। तो अभी हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं उसको कहते हैं हैंगिंग ब्रिज, और मेरे घर से एकदम पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग अभी वॉकिंग डिस्टेंस है, और हम लोग अभी आउटडोर आ पा रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा बहुत सिक्किम का हालत तो आप लोग सबको पता ही होगा, क्योंकि सिक्किम में पॉजिटिव केसेस ओपन पॉजिटिव केसेस उतने नहीं हैं। जो लोगों को क्वारंटाइन में लेके आए थे बाहर के का स्टेट से, जिन लोगों को लाए थे, उन लोगों में 70% को पॉजिटिव केसेस आया था। और अभी कल का ही न्यूज़ है, कंफर्म न्यूज़ है कि उन लोगों में से ओनली 49 अभी कोविड पॉजिटिव्स अभी है यहाँ पे क्वारंटाइन में। तो बाकी लोग ठीक हो चुके हैं, और वो जो 49 केसेस है बस लास्ट 3 days to 4 days से, और कोई नया पॉजिटिव केस हमारे सामने नहीं आया है। सो वी आर लिटरली सेफ, फीलिंग सेफ ये सिक्किम में। तिस्ता रिवर, हमारा तिस्ता रिवर सिक्किम का, बहुत ज़्यादा पानी था उस दिन। अभी है एक्चुअली रेनी सीजन है तो यहाँ पे तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, इतना फ्रेश एयर, ओ माय गॉड। घर वापस जाना है तो जाते जाते थोड़ा बहुत व्यू मैं और आपको दिखाऊंगी ज़रूर। जैसे कि सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी जो होता है SMU IT, वो भी मेरे घर के एकदम बगल में ही है, सामने में ही है, बहुत सुंदर है, वो भी देखने वाला चीज़ है। उसका कैंपस मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी नहीं जाना है, अंदर नहीं जाऊंगी, बाहर से तो आप लोग को दिखा ही सकती हूँ। तो चलिए देखते हैं। Oh,
और ये एग्रीकल्चरल गार्डन है दोस्तों, ये मेरे घर के जस्ट पीछे ही है। यहाँ पे बीटल नट्स के पेड़, फिर कोकोनट के पेड़, फिर ये देखिए अमरूद के पेड़, ये सब बहुत सारे हैं। और हम लोग यहीं से वॉकिंग करके आए थे, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा दूँ, बहुत सुंदर लगता था मुझे। और अभी घर चलेंगे और घर जाके आप लोगों के साथ मैं एक मेरा खुद का रेसिपी शेयर करूँगी। और खुद का तो रेसिपी नहीं बोलूँगी, ये एक ट्विस्ट देके मैं बनाती हूँ, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्यूकम्बर और अनियन को पहले रफली चॉप कर लिया। रफली क्या, क्योंकि कोई तो सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही है खाने के लिए और मेरी बेटी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बारीकी की से काम तो कभी तब नहीं कर पा रही थी, मैं थक गई थी चल के आने के लिए। तो वही एक छोटा सा ट्विस्ट है, वही ट्विस्ट सिर्फ आपको दिखा दूँगी और आप उम्मीद है आप सबको अच्छा ही लगेगा। और दोस्तों ट्विस्ट है ये, एग रोल में मैं स्क्रैम्बल्ड एग देना पसंद करती हूँ। और कभी अगर आपने नहीं खाया है, वही कन्वेंशनल रोटी के ऊपर ऑमलेट देके जैसे रोल होता है जनरली, तो वही खाया है, तो उसे छोड़ के एक दो दिन कभी ये भी ट्राई करके देखिए, मुझे लगता है अच्छा लगेगा। और ये मैंने दिया थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और स्क्रैम्बल मैंने कर लिया है। और अभी मैं ऐड करूँगी मेरे घर का बनाया हुआ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अगर चिली फ्लेक्स का रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये है मेरा चिली फ्लेक्स, बिल्कुल थोड़ा सा दिया, अगर मेरी बेटी ने खा लिया तो मुश्किल हो जाएगा। तो बस यही था मेरा ट्विस्ट। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से थोड़ा सा प्याज देने से ना अच्छा लगता है, उसका टेस्ट थोड़ा और मुझे लगता है कि एनहेंस्ड हो गया है। सॉरी दोस्तों, मैंने एक मैदे का डो बना के रेडी कर लिया है, वो हर्ब्स के साथ शेयर करना मैं भूल गई। और सिंपल सा थोड़ा सा वाइट ऑयल और थोड़ा सा नमक देके थोड़ा नरम करके मैंने आटा लगाया है, ताकि जो रोटी बने वो थोड़ा सा सॉफ्ट बने और मेरी बेटी खुद से वो खा सके। तो ज़रूर ये वाला रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। और किसको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्रेंड्स अभी बज गए हैं रात के 9 बजे और अभी हम लोग डिनर करेंगे। और वो एग रोल का रेसिपी आप सबको कैसा लगा मुझे बोलिएगा ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में। मेरी बेटी ने तो बहुत इन्जॉय से खाया, आप लोग ने देखा होगा, वो एक मम्मी के लिए एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाला जगह है कि कुछ बनाया और बेटी ने बच्चे ने आराम से खा लिया।
जिनके जिनके बच्चे होंगे, पिकी ईटर्स होंगे मेरे बेटी के जैसे, वो लोग समझ सकते हैं मेरा फीलिंग्स। तो वीडियो आज यहीं पे एंड होता है, और एक नए वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँगी। सो टिल देन बाय बाय। और किसी भी रीज़न से ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वो साइड में जो बेल आइकन का बटन आता है ना, वो भी ज़रूर दबाना। वो उससे उसको दबाने से वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, और बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं उसके लिए। सो दिल खोल के लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए क्या आप लोग को देखना है, क्या टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक मुझे बनाने के लिए आप सजेशंस दीजिए, होल हार्टेडली एक्सेप्टेड होगा। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, बाय बाय।